आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अध्याय से। क्वेश्चन नंबर 5 है। उसने क्वेश्चन कहता है 5 cos² 60° प्लस 4 sec² 30° माइनस 10² 45° बटा sin स्क्वायर 30° प्लस cos स्क्वायर 30°। उस सवाल को हम हल करके दिखाएंगे। उससे पहले जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा नया नया वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंचते रहे। अब यहाँ पर हम हल करते हैं 5, यहाँ पर जो है गुणा कैसे देंगे और यहाँ पर है cos 60°। तो cos 60° का मान लेंगे हम, तो cos 60° का मान होता है 1/2। इसको जो स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसको स्क्वायर कर लेंगे प्लस फिर 4 * फिर sec² 30°, यानी अब sec 30° का मान लेंगे तो sec 30° का मान होता है 2/√3। इसको भी होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। फिर माइनस 10 = 45° है तो 10 = 45° का मान होता है 1। यहाँ पर भी उसको स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे फिर बट्टा। फिर यहाँ पर है अब sin² 30°, तो sin 30° का मान लेंगे हम तो sin 30° का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर लेंगे प्लस फिर यहाँ पर है cos² 30°, यानी cos 30 का मान लेंगे √3/2 होता है, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यानी 5 * तो 1 का जो स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर हम करेंगे यानी 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा बट्टा। अब 2 का स्क्वायर तो 2 * 4 होता है प्लस फिर 4 यहाँ पर * फिर 2 के स्क्वायर है तो 2 * 4 बट्टा। √3 का जो स्क्वायर है तो √3 और √3 को अगर हम गुना करेंगे तो 3 * 3 = 9, √9 होता है, उसको रूट से बाहर करेंगे तो 3 होगा यानी उसका वर्ग 3 होगा 9 का, तो यहाँ पर 3 लेंगे। फिर माइनस अब 1 का स्क्वायर तो 1 को हम स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा फिर बट्टा। फिर 1 के स्क्वायर तो 1/2 के स्क्वायर तो 2 * 4 प्लस फिर अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो √3 को जो हम स्क्वायर करेंगे तो 1 * 3 फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा। अब 2 का स्क्वायर है तो 2 * 4 हो गया। फिर हम उसको जो है गुना करेंगे यानी अब 5 को 1 को हम अगर गुना करते तो 5 को 1 को गुना करेंगे तो 5 होता है बट्टा ये 4। फिर हम यहाँ पर उस 4 को गुना करेंगे तो 4 * 4 यहाँ पर होता है 16 * 3 माइनस अब 1 का यहाँ पर 1 लिखेंगे फिर बट्टा करेंगे। अब यहाँ पर इसको जो है 1/4 प्लस 3/ यहाँ पर 4 लेंगे। अब जो है इसको भी भिन्न जोड़ करेंगे और नीचे वाले को भी यहाँ पर जो है भिन्न जोड़ करेंगे तो यहाँ पर होगा उस 4 को 3 को यहाँ पर भी कुछ नहीं आया बट्टे में तो 1 कर देंगे तो 4 को 3 को अगर हम लघुतम करते हैं तो यहाँ पर 4 * 3 = 12 होगा। अब 4 को 3 को भाग करेंगे तो 4 * 3 = 12 और 5 को 3 को गुना करेंगे तो 5 * 3 = 15 प्लस फिर 3 को 12 को हम भाग करेंगे तो 3 * 12 = 4 मिले तो 4 को अगर हम 16 को जो गुना करते हैं तो 16 * 4 यहाँ पर 64 होगा। फिर माइनस 1 को अगर हम 12 को भाग करते हैं तो 12 होगा, 12 को अगर हम 1 के गुना करते हैं तो 12 होगा। फिर यहाँ पर बट्टा कर देंगे फिर यहाँ पर अब हम इसको उस 4 को जो अगर हम लघुतम करते हैं तो यहाँ पर 4 होता है। फिर अगर 4 को 4 को भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 को गुना करेंगे तो 1। फिर प्लस यहाँ पर भी 4 * 4 को भाग 1 होगा, 1 को 3 को गुना करते हैं तो 3 होता है। फिर अब हम उसको ऐड कर लेंगे 64 और हम 15 को अगर हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो यहाँ पर होता है 79 माइनस फिर यहाँ पर 12/12 फिर बट्टा में 3 * 1 हो गया यहाँ पर 4/4 इस 4 से 4 को हम काट देंगे तो यहाँ पर होगा 79 में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो 79 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 67
बट्टा में बच गया यहाँ पर 12, ये आ गया, यानी इसका मान जो निकल गया है 67 बट्टा 12। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।